अपनी किडनैपिंग सर, ये आप कैसी कहानियां बना रहे हैं? कहानियां तो आप बना रही, खन्ना परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए, है ना? आपको जब अपना असली मुजरिम नहीं मिला तो आप मुझे फंसा रहे हैं। सर अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप पहले मेरे वकील को लेकर आइए, फिर बात करूंगी मैं। अब अंग्रेजी पिक्चरों ने दिमाग खराब करके रख दिया आजकल के नौजवानों का। आप शुक्र मनाइए कि यहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है, वरना मेरी बातों का सीधा जवाब ना मिलने पर दो थप्पड़ भी पड़ सकते थे आपको। आखिर हो क्या रहा है मेरे इस घर में? पहले मैंने अपना बेटा खो दिया, उसके बाद मेरी नियति, मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है, एक एक करके सब सब गलत हो रहा है। निशा की मौत के बाद मैं भी यही सोचती थी पृथ्वी जी, पर जाने अनजाने में जरूर हमने किसी का बुरा किया होगा। आखिर मैंने किसका बुरा किया जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? आज से, अभी से और इसी वक्त से मैं तुझे अपने बिजनेस और अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। जो भी फल मिलता है अपने कर्मों का इसी जन्म में ही मिलता है। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची का इलाज आज से और अभी से शुरू कीजिए। अक्षत, जिम, तुम इनके साथ जाकर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर। जी, मैं माँ को बताता हूँ। ठीक है अंकल। चलिए डॉक्टर, चलिए। तो चलिए अब बताइए क्यों किया आपने ऐसा। और एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, कानून आपसे ज्यादा जानता हूं और कानून में ऐसी दफाएं भी हैं जिसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी सफाई के उठा भी लिया जा सकता है। जिस बदले की प्लानिंग के लिए हमने सालों लगा दिए, अब उसमें इतने आगे बढ़कर मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। कंचन, कंचन रुक जाओ। तुम्हारा परिवार मौत के कुएं में जा चुका है। मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। परेशान करोगे अपने पापा को? तुम मेरा परिवार का क्या किया तुमने उनके साथ? कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है तुमने किया है। तुमने सबको बोल दिया कि तुमने निर्वाण को मारा और अब सारे परिवार को मारने वाली हो अपने तंत्र से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने परिवार, अपनी माँ, अपने पापा, मैं उन्हें दुखी देख ही नहीं सकती और तुम्हें भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम्हारा चेहरा मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर, एक पागल की बात पर? तुम्हारे पूजनीय पिताजी ने तुम्हें पागल खाने भेजने का फैसला लिया है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मेरा प्लान बिगाड़ा है, यह है तुम्हारी गलती।
सबसे बड़ी गलती। मुझे बस एक बार सौदामिनी से सच उगलवाना होगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरे परिवार को खत्म करोगी, यही मकसद है ना तुम्हारा? हाँ बोलो। ये क्या रट लगा रही हो बेटा? अपने परिवार के बारे में कौन ऐसी बातें करता है? डॉक्टर ने ठीक कहा है, इस मेंटल ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डोंट वरी बेटा। अक्षत, अक्षत, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। ड्रामा कर रही है ये औरत। अभी अभी बोल रही थी कि इसने मुझ पर तंत्र किया है, मेरे परिवार को मारना चाहती है। अभी तुम्हारे आने पर पलट गई, जैसे जैसे ये सब मैं कह रही थी। झूठ बोल रही है ये। संभालो अपनी दोस्त को, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अक्षत रोक उसको, कम से कम तू तो मेरी बात सुन। अक्षत नहीं, कम से कम कोई और नहीं तो तू तो मुझ पर भरोसा कर। मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ उसने किया। मेरी बात, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। काश तेरे बदले भगवान मुझे बीमार कर दे और तू ठीक हो जाए। बस बचपन की दोस्ती से भरोसा उठ गया तेरा। तूने तो बोला था तू हर बात पे मेरा साथ देगा, प्रॉमिस किया था ना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ नहीं थे, मरते दम तक तेरे साथ हूँ यार। I promise। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोज तुझसे हॉस्पिटल मिलने आऊंगा, तेरे लिए प्रे भी करूंगा, रोज रोज मंदिर पे जाऊंगा, और देखना तू जल्दी ठीक हो जाएगी। नीति अक्षत तू क्या बोल रहा है? देखना तू तू जल्दी ठीक हो जाएगी। नीति मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तेरे से रोज हॉस्पिटल में ले आऊंगा। अक्षत, अक्षत मेरी बात मान, मैं सच बोल रही हूँ, वो असली तांत्रिका। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अक्षत इस कमज़ोर, तू तो मेरी बात मान। अक्षत तू बस आएगा। अक्षत, अक्षत मैं सच कह रही हूँ, वो असली तांत्रिका। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अक्षत छोड़ो मुझे। अक्षत, अक्षत we
पापा मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं। कोई तो मेरा विश्वास करो पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ करना बेटा। पापा पापा मैं मजबूर हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी भलाई के लिए। आई एम सॉरी।